Hello and welcome back to Mom's Magic by Anjana. तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पास्ता की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी। अब पास्ता हर किसी को बहुत पसंद होता है, बट क्या गलती हमसे हो जाती है कि हम मार्केट जैसा टेस्ट नहीं ला पाते। तो आज मैं आपको वही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, पास्ता बनेगा एकदम मार्केट जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को बनाना। और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। यहाँ पे 3 से 4 कप पानी को मैंने बॉईल कर लिया है एंड अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फ्यूजिली पास्ता। आप कोई भी पास्ता अपने मनपसंद शेप का यूज कर सकते हैं। इसे हमने 10 मिनट तक कुक किया, फ्लेम था हमारा मीडियम, और इसे हाथ से ऐसे हम इसको मैश करके चेक करेंगे। देन मैश करने पे पता चलेगा कि ये कुक हुआ है कि नहीं, तो ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो अब देखिए, इसको मैंने स्ट्रेनर में रख लिया है इसको ठंडा करने के लिए, और मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालकर इसको मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरह से कोट कर लिया मैंने ताकि ये आपस में चिपके ना। तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने लिया है 3 टमाटर। अब टमाटर का ऊपर वाला हिस्सा मैं इसको रिमूव करूंगी और मैं इस टमाटर को ग्रेट करने वाली हूँ। अब आप चाहे तो टमाटर का प्यूरी बना सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे इसको ग्रेट करें। इससे पल्पी रहेगा टेक्सचर और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो देखिए, टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब पैन गरम है। अब यहाँ पे मैं ऐड करने वाली हूँ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। अब ऑयल में मैं ऐड करने वाली हूँ अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को मैंने ऐड कर लिया, और अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप किया है। अब मैं उसको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए, प्याज को मैंने ऐड कर दिया है। अब प्याज को ज़्यादा हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इसका टेस्ट हल्का क्रंची रहे, हल्का से इसको सॉटे करना है। तो यहाँ देखिए, हल्का सा हमने सॉटे कर लिया इसे। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो पल्प हमने तैयार किया टमाटर का ग्रेट करके, वो तो इसमें हमने इसे ऐड कर दिया है एंड इसे हम हल्का सा कुक कर लेते हैं। फ्लेम हमारा रहेगा मीडियम। तो देखिए, मैंने इसे कुक कर लिया जब तक कि इसका पानी जो है एवेपोरेट ना हो जाए। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और थोड़े से स्वीट कॉर्न थे मेरे पास तो उसे भी मैंने ऐड कर दिया। डालना ऑप्शनल है, बट आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार, और इन सबको हमें ओवर कुक नहीं करना है। इसका क्रंची टेस्ट आएगा तभी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए, इसे हम मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट बस इसे कुक करेंगे ढककर। तो देखिए, 1 मिनट मैंने कुक किया। अब इसमें ऐड करते रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो सॉस। तो टोमेटो केचप आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिए। देन इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब वाइट विनेगर यानी सिरका। सिरका डालकर मिक्स कर लीजिए। और फिर अब मैं इसमें और भी मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा, ये मैंने ऐड किया है अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से बहुत टैंगी टेस्ट आता है। देन इसमें ऐड करने वाली हूँ रेड चिली पाउडर, एंड इसको और स्पाइसी बना रही हूँ मैं, तो इसमें ऐड कर दी हूँ थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। तो रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून और रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून। और यहाँ पे इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स मैं ऐड कर रही हूँ, अगर पिज्ज़ा सीजनिंग हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ना हो तो ऑप्शनल है। अब पानी डालकर इसे हम कुक कर लेते हैं थोड़ी देर मसाले को। तो मसालों को हम 2 मिनट कुक करेंगे, फ्लेम हमारा रहेगा लो। एंड देखिए, इसे हमने कुक किया। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ चीज़ क्यूब्स। तो चीज़ क्यूब्स मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ, चीज़ बच्चों का फेवरेट होता है, सो चीज़ डालने से इसका चीज़ी टेक्सचर आएगा। एंड चीज़ को मैं तोड़ तोड़ कर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, चीज़ को मैंने तोड़ के ऐड कर दिया, एंड जब ये मेल्ट होगा तो इसका पूरा टेक्स्चर एकदम चीज़ी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस। तो यहाँ देखिए, अब मैं इसमें चीज़ को मेल्ट होने के बाद पास्ता डाली, एंड पास्ता डालने के बाद इसे हमें कुक करना है 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर। ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा, इसका ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं एंड पास्ता बनकर अब रेडी है। तो चलिए अब इसे हम करते हैं सर्व। आप टेक्स्चर देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए, पास्ता अब रेडी है, फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, ओवर कुक मत करिएगा। तो ये देखिए, हमारा मार्केट स्टाइल पास्ता बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। जिस तरह से हमने मसाले यूज़ किए हैं, मिनिमम मसाले एंड मैक्सिमम टेस्ट। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।